हमारे जो लोकल या आसपास की पंचायतों वाले जो लोग हैं वही अपने पशुओं को यहाँ पर छोड़ के जाते हैं। अब जब वो अपने पशुओं को यहाँ छोड़ के जाते हैं उनके पीछे उनकी मंशा क्या है ये सभी को पता है। जब तक गाय दूध दे रही है आपने दूध निकाल लिया, जब उसने दूध देना बंद किया उसमें आपने अब मतलब बेशर्मी इस हद तक चली गई है कि टैग के साथ ही जाके वो छोड़ आते हैं क्योंकि पता है कि एक्शन तो कोई होना नहीं। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर जो कल्प्रिट है वो भी वहीं पे है और उसके साथ आप देखिए कि समस्या भी अगर वहीं पे क्रिएट हो रही है तो आपने एक प्रॉब्लम को डिफ्लेक्ट करने के लिए रूट कॉज में एड्रेस न करके आपने इसको डिफ्लेक्ट करने के लिए क्या क्या आपने काम किया। हमारे पास क्या प्रावधान है, पंचायती राज एक्ट 1994 का सेक्शन 11A ये बोलता है कि जो पशुओं की जनगणना है, जो पशुओं की गणना है, वो पशुओं की गणना जो है ये एक पंचायत की जिम्मेवारी है। इसका मतलब ये है कि पंचायत के अंदर जो भी पशु जो है वो आपका रिजाइड करता है उसका एक गणना रजिस्टर है। मतलब आपको पता है कि किसके घर में कितने जो आपके जो पशु दाने वो है, अगर जो उसकी मौत होती है उसकी भी जो रिकॉर्ड आप वहां पर देते हैं। बिकॉज जो अमेंडमेंट हुआ 2006 का पंचायती राज एक्ट के अंदर ये वो कहता है कि जनगणना जो गणना है इसकी वो पंचायती राज की है, इसमें रजिस्ट्रेशन और मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत। उसके बाद क्या है कि एनिमल हस्बेंड्री क्या करेगी, जब आप टोकनाइजेशन कर रहे हैं, जब आप आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं उसमें पंचायत एनिमल हस्बेंड्री की हेल्प करेगी और आप पशुओं को आप टोकन लगाएंगे। इसके बाद क्या होगा कि अगर कोई आवारा पशु पकड़ा गया या पाया गया तो अगर उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है तो पंचायत के पास पावर है 500 रुपए का फाइन लगाने की। लेकिन सभापति महोदय अगर आज आप रिकॉर्ड के लिए अगर आप पंचायती राज डिपार्टमेंट को पूछे कि कितने लोगों को ये फाइन लगाया, मेरे हिसाब से जैसे आपका प्रश्न है ये प्रश्न भी 25 साल तक यही जाएगा कि सूचना एकत्रित की जा रही है। मेरी नॉलेज के अंदर कोई आज तक जो है वो शायद ये 500 रुपए का फाइन ना लगाओ। और अगर आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही तो क्या करना पड़ता है, आपको रिपोर्ट करना पड़ता है एनिमल हस्बेंड्री डिस्पेंसरी में कि एक यहां पर जो है बेसहारा पशु या आवारा पशु घूम रहा है, तो आप पंचायती राज के थ्रू आप जो है इसके अंदर आप रिपोर्ट करेंगे। इसके बाद क्या है सर कि एक रिट पिटिशन थी CWP 6631 2014 की, यह है भारतीय गोवंश रक्षण संवर्धन परिषद हिमाचल प्रदेश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस अदर्स। इसमें क्या हुआ कि हर विभाग की जिम्मेदारी बांध दी गई, और जिम्मेदारी क्या बांधी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है पुलिस विभाग की कि कोई बुचर खाने या इलीगल स्लॉटर हाउस तो ऑपरेट नहीं कर रहे, अगर कर रहे हैं तो रेड करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपने इसको दे दी। उसके बाद सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर ऑफ NHAI एंड स्टेट हाईवेज, इनकी जिम्मेवारी यह है कि कोई भी आवारा या बेसहारा पशु जो है ये हाईवे के ऊपर ना आए। इसके बाद आपने क्या किया, लोकल बॉडीज जो कि MCU नगर परिषद वगैरह है आपने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आपके नगर परिषद के एरिया के अंदर अगर कोई भी आपको आवारा पशु अगर दिखता है या बेसहारा पशु दिखता है इसकी जिम्मेवारी आपकी। फिर आपने क्या किया, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को यह बोला कि ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सच यू नो एनिमल्स, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने एनिमल हस्बेंड्री को दे दी। अल्टीमेटली एक आपने इसके ऊपर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई, उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में SP है, DSP है, वेटरनरी ऑफिसर है, डॉक्टर है, और ये सारे के सारे इवेल्युएशन करते हैं कि स्ट्रे कैटल का करना क्या चाहिए। अब और देखिए CPW 6631 और पंचायती राज एक्ट 2006 की अमेंडमेंट, इतना कुछ करने के बाद यह समस्या एक इस प्रकार का विकराल रूप धारण कर रही है। इसका मतलब यह है कि जो भी हमने आज तक किया उसका नतीजा मिल रहे सन्नाटा, इसका नतीजा कोई नहीं निकल रहा, यह सबको जो है पेपर के ऊपर कार्रवाई हो रही है, नहीं तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ कंट्रोल होता। अब यह पेपर कार्रवाई में क्यों बोलता हूं मैं, किसी के उसके ऊपर मतलब मैं आक्षेप नहीं उठा रहा, लेकिन अगर समस्या आपकी यह है कि आपको जाकर पानी की टूटी बंद करनी है, लेकिन आप जाकर जहां पर ये मतलब नाली जहां पे गिर रही है अगर वहां पे आप झाड़ू मार रहे हैं तो आप चाहे जो मर्जी करते रहिए आपकी समस्या हल नहीं होनी। हम जाकर हमेशा सिम्टम को अटैक करते हैं जहां पर गौ जो है पशुधन जहां पर आपको दिख रहा है सड़कों के ऊपर, हम इसकी रूट कॉज एनालिसिस करके वहां पर इंपैक्ट नहीं कर रहे जहां से ये प्रॉब्लम ओरिजिनेट हो रही है। और ये प्रॉब्लम कहां से ओरिजिनेट हो रही है हम सबको पता है। हमने किया क्या, हमने गौशाला का प्रावधान दे दिया कि हम गौशाला बनाएंगे, हमने कमेटियों को बिजी कर दिया इसमें, हमने बोला कि पंचायती राज जो है वो गणना करेगी, हमने उसको उसमें बिजी कर दिया, हमने बोला कि एनिमल हस्बेंड्री जो है ये उनकी काउंटिंग करेगी वो उसमें हमने व्यस्त कर दिए, हमने बोला कि पुलिस जो है वो छापे मारेगी,
हमने बोला कि एससी जो है वो हाईवे और स्टेट हाईवे और इसको जो है वो देखेगा कि इसके ऊपर जो पशु वो नहीं जा रहे। हमने क्या किया कि लोकल बॉडीज को भी टांग दिया कि अगर यहाँ पे पशुधन अगर आ रहा है या बेसारा पशु आ रहे। सोशल मीडिया के गोरक्षक हैं, आज जब गोवंश के ऊपर इस हमारे सदन में चर्चा हो रही है तो ये सारे के सारे वॉकआउट कर यहाँ से बाहर हैं, तो इनकी जो पथरी और करनी का फर्क जो है ये इसी में नजर आता है। और ये अगर यहाँ पर होते तो मेरे हिसाब से इस चर्चा को थोड़ा और सार्थक बनाया जा सकता था, लेकिन मैं अपने थोड़े कुछ मेरे पॉइंट हैं और ये पॉइंट मैं इनको मैं सदन अपने ये सदन के सामने में रखना चाहता हूँ। तो पहली बात तो ये है सर कि ये जो समस्या है ये समस्या इतना विकराल रूप आज धारण कर चुकी है कि इसके ऊपर अगर हमने आज कुछ करने की कोशिश ना की तो आज से 5 या 10 साल के बाद हिमाचल प्रदेश के अंदर सिर्फ आपको बेसहारा पशु मिलेंगे और मुझे लगता है कि हमारी आबादी को ये जो है वो सरपास कर जाएंगे। आज एक आंकड़े के हिसाब से लगभग 22 लाख जो हमारे पशु हैं ये आपके एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की उसके जो गणना के हिसाब से हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं और इनकी जो वृद्धि है ये वृद्धि मतलब बेतहाशा रूप से जो है वो हो रही है। और इसमें अगर आप देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो आपका फीमेल पार्ट है मतलब जो फीमेल आपके एनिमल्स हैं उनका तो फिर भी थोड़ी बहुत ही देखरेख हो जाती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 50% जो भी ये मतलब हमारा कैटल है ये कैटल 50% जो है ये आपका एक मेल कैटल है जिसमें कि आपके बैल हैं और जिसमें आपके मतलब जो मेल बफलोज हैं। और आप जानते हैं कि जब से मैकेनाइजेशन आई है मैकेनाइजेशन की वजह से ट्रैक्टर और हमारे कंबाइने जब से ये स्टार्ट हुई है मेल पशुओं का शायद इस समाज में कोई उतना रोल नहीं रह गया। अब आप देखिए कि इस समस्या का हल क्या है उससे जानने से पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि समस्या एक्चुअली कहाँ है और ये समस्या का जो ओरिजिन है ये कहाँ से है। इसके पीछे सर एक बड़ी छोटा सा मैनेजमेंट का टूल है जिसको रूट कॉज एनालिसिस कहते हैं और इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि अगर आपने किसी समस्या का समाधान करना है तो पहले उस समस्या को उसकी जो तह तक आप वहां पर जाकर देखिए कि समस्या जो है वो स्टार्ट कहां से होती है, क्योंकि अगर आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद उसका सलूशन ढूंढना बड़ा आसान है। फतेहपुर जो है फतेहपुर हल्का मेरा 100% बूंजा पंचायतों का 242 रेवेन्यू विलेजेस वाला लगभग 1140 हैबिटेशंस वाला जो है हमारा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी एक हल्का है और ये कृषि प्रधान हल्का है। इस कृषि प्रधान हल्के में आप देखिए कि जो कृषक है ये कोई बहुत बड़े जमींदार नहीं है, छोटे छोटे हमारे कृषक हैं और इनके ऊपर जो विपदा आती है प्राकृतिक आपदा पहली चीज, उसके बाद कुछ समय से जो बंदरों का आतंक है उसकी वजह से हमारे क्रॉप को डैमेज हुआ है, क्रॉप पैटर्न जो है वो शिफ्ट हो चुका है और इसके साथ साथ क्या है कि जो फसल की वजह से जो समस्या आ रही है कुछ किसान जो है वो अपनी खेतीबाड़ी भी छोड़ चुके हैं कंप्लीटली। अब उसके बाद ये जो तीसरी समस्या हमारे ऊपर आई है ये है आपकी पशुधन की, जो आपके बेसहारा पशु है, जो ये बेसहारा पशु जो मतलब एक ऐसी विकराल संख्या के अंदर हमारी सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं, इसका एक इम्पैक्ट ये है कि इसकी वजह से भी खेतीबाड़ी का नुकसान हो रहा है। खेतीबाड़ी के नुकसान से ज्यादा क्या हो रहा है कि आपके एक्सीडेंट्स की संभावना बढ़ गई है, हर हफ्ते एक ना एक मौत की खबर कहीं ना कहीं से आ जाती है कि रात के अंधेरे में मतलब काली गाय थी या काली मतलब भैंस थी वो दिखी नहीं और जो अपना बाइक वाला उससे टकरा गया और टकरा के उसकी जो है मृत्यु हो गई। अब आप देखिए कि जब भी हम पिछले मतलब मुझे ज्यादा समय हुआ नहीं है लेकिन एक साल जो पिछले टेन्योर का था और लगभग एक साल इस टेन्योर का जब भी हमारी जो समस्या की डिस्कशन होती है कि जो बेसहारा पशु हैं इनके बारे में जब हम बात करते हैं तो सोल्यूशन सिर्फ एक आता है और वो सोल्यूशन ये आता है चलो गौशाला बनाएं। अब अगर आप एक छोटी सी कैलकुलेशन करके देखिए कि सरकार जो है वो कितनी गौशालाएं बना सकती है और उन गौशालाओं की कैपेसिटी जो है हम कितनी मतलब हम उसको कर सकते हैं। फतेहपुर के अंदर भी जो हमारा एक ये था कि गौशाला बननी चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी फतेहपुर आए, हमने उनसे डिमांड करी और उन्होंने बड़ी जनरसली एक हमको बजट का प्रावधान कर दिया, हमने 305 कनाल की एक जो जमीन है उसको हमने आइडेंटिफाई किया और फिर हमने बैठ के कैलकुलेशन करनी स्टार्ट करी कि ये 305 कनाल की भूमि में जो गौशाला बनेगी उसमें हम कितने पशु हम रख सकते हैं। जब हमने कैलकुलेट किया तो पता चला कि जितने पशु हम उस गौशाला में रखेंगे उससे लगभग 10 गुना फिर भी सड़कों के ऊपर रह जाएंगे। तो यह समस्या ऐसी है कि आप जितनी मर्जी गौशालाएं बना लें, जितने मर्जी आप मतलब कुछ और वो कर लें, जब तक आप इसका रूट कॉज आइडेंटिफाई नहीं करेंगे ये समस्या आपकी विकराल रूप धारण करके ऐसी की ऐसी खड़ी रहेगी। अब आप देखिए कि क्या हमारे पास लीगली कोई रेमेडी है इसकी या हमारे पास कुछ ऐसा चीज है जिससे हम
जो ये हमारे जो पशुधन है जो हमारा सड़कों पे घूम रहा है, ये कहीं पाकिस्तान से आया नहीं, ये ना ही चीन से आया, ना ही पुष्पक विमान से श्रीलंका ने भेजा, ये जो है ये हमारे लोकल जानवर है, ये हमारे लोकल कृषक जो है। फतेहपुर जो है, फतेहपुर हल्का मेरा 100% बुंजा पंचायतों का 242 रेवेन्यू विलेजेस वाला, लगभग 1140 हैबिटेशंस वाला जो है हमारा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी एक हल्का है, और ये कृषि प्रधान हल्का है। इस कृषि प्रधान हल्के में आप देखिए कि जो कृषक है ये कोई बहुत बड़े जमींदार नहीं है, छोटे छोटे हमारे कृषक हैं, और इनके ऊपर जो विपदा आती है प्राकृतिक आपदा पहली चीज, उसके बाद कुछ समय से जो बंदरों का आतंक है उसकी वजह से हमारे क्रॉप को डैमेज हुआ है, क्रॉप पैटर्न जो है वो शिफ्ट हो चुका है, और इसके साथ साथ क्या है कि जो फसल की वजह से जो समस्या आ रही है, कुछ किसान जो है वो अपनी खेतीबाड़ी भी छोड़ चुके हैं कंप्लीटली। अब उसके बाद ये जो तीसरी समस्या हमारे ऊपर आई है ये है आपकी पशुधन की, जो आपके बेसहारा पशु है, जो ये बेसहारा पशु जो मतलब एक ऐसी विकराल संख्या के अंदर हमारी सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं, इसका एक इम्पैक्ट ये है कि इसकी वजह से भी खेतीबाड़ी का नुकसान हो रहा है। खेतीबाड़ी के नुकसान से ज्यादा क्या हो रहा है कि आपके एक्सीडेंट्स की संभावना बढ़ गई है, हर हफ्ते एक ना एक मौत की खबर कहीं ना कहीं से आ जाती है कि रात के अंधेरे में मतलब काली गाय थी या काली मतलब भैंस थी वो दिखी नहीं और जो अपना बाइक वाला उससे टकरा गया, टकरा के उसकी जो है मृत्यु हो गई। अब आप देखिए कि जब भी हम पिछले मतलब मुझे ज्यादा समय हुआ नहीं है लेकिन एक साल जो पिछले टेन्योर का था और लगभग एक साल इस टेन्योर का, जब भी हमारी जो समस्या की डिस्कशन होती है कि जो बेसहारा पशु हैं इनके बारे में जब हम बात करते हैं तो सोल्यूशन सिर्फ एक आता है, और वो सोल्यूशन ये आता है चलो गौशाला बनाएं। अब अगर आप एक छोटी सी कैलकुलेशन करके देखिए कि सरकार जो है वो कितनी गौशालाएं बना सकती है और उन गौशालाओं की कैपेसिटी जो है हम कितनी मतलब हम उसको कर सकते हैं। फतेहपुर के अंदर भी जो हमारा एक ये था कि गौशाला बननी चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी फतेहपुर आए, हमने उनसे डिमांड करी और उन्होंने बड़ी जनरसली एक हमको बजट का प्रावधान कर दिया, हमने 305 कनाल की एक जो जमीन है उसको हमने आइडेंटिफाई किया और फिर हमने बैठ के कैलकुलेशन करनी स्टार्ट करी कि ये 305 कनाल की भूमि में जो गौशाला बनेगी उसमें हम कितने पशु हम रख सकते हैं। जब हमने कैलकुलेट किया तो पता चला कि जितने पशु हम उस गौशाला में रखेंगे उससे लगभग 10 गुना फिर भी सड़कों के ऊपर रह जाएंगे। तो ये समस्या ऐसी है कि आप जितनी मर्जी गौशालाएं बना लें, जितने मर्जी आप मतलब कुछ और वो कर लें, जब तक आप इसका रूट कॉज आइडेंटिफाई नहीं करेंगे ये समस्या आपकी विकराल रूप धारण करके ऐसी की ऐसी खड़ी रहेगी। अब आप देखिए कि क्या हमारे पास लीगली कोई रेमेडी है इसकी, या हमारे पास कुछ ऐसा चीज है जिससे हम जो ये हमारे जो पशुधन है जो हमारा सड़कों पर घूम रहा है ये कहीं पाकिस्तान से आया नहीं, ये ना ही चीन से आया, ना ही पुष्पक विमान से श्रीलंका ने भेजा, ये जो है ये हमारे लोकल जानवर है, ये हमारे लोकल कृषक।